चलिए कल हमने टी सी एस चैप्टर शुरू किया था टैक्स कलेक्शन एट सोर्स इसमें हमने देखा दो पार्टीज होती हैं या तो सेलर बायर या लेसर लेसी मैंने बोला सेलर बायर से टी सी एस कलेक्शन करे और लीजिंग ट्रांजेक्शन हो तो लेसर लेसी से टी सी एस कलेक्शन करें कल हमने ये रेट चार्ट की बात की सेक्शन 206 जीरो सी रेट चार्ट टीसीएस का रेट चार्ट जिसमें कल हमने बात की कि सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स उस पर टीसीएस अप्लीकेबल है तो कौन से गुड्स कल हमने लिस्ट पढ़ी तेंदुलिवस एनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूडिंग टिम्बर स्क्रैप एल्कोलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजन और सर्टेन मिनरल्स। तो ये वाला जो है यहाँ तक सर्टेन मिनरल आपका सेक्शन टू जीरो सिक्स सी का सब सेक्शन वन फिर स्पेसिफाइड गुड्स में एक और आइटम ऐड हुआ मोटर व्हीकल इसका सब सेक्शन बनाया गया सेक्शन टू जीरो सिक्स सी में सब सेक्शन वन एफ डाला गया तो ये तो सब सेक्शन वन था मोटर व्हीकल का सेक्शन वन एफ फिर रेमिटेंस थ्रू एल आर एस लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम फॉरेन में पैसा भेजना है फॉरेन में रेमिटेंस पैसा भेजना है इंडिया से तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है तो उस पर टीसीएस के प्रोविजन है और ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज ओ मतलब फॉरेन टूर फॉरेन टूर करने के लिए आप किसी टूर एजेंसी को पेमेंट करते हैं तो वो टूर एजेंसी आपसे पेमेंट रिसीव करते वक्त आपसे टीसीएस चार्ज करेगी तो इसके लिए सेक्शन 206C जीरो में सबसेक्शन जी डाला गया वन जी और सेल ऑफ अदर गुड्स के लिए बात की थी 206C जीरो सिक्स सी सबसेक्शन वन एच ठीक है तो ये अलग से बाद में ऐड हुए फिर और लीजिंग ट्रांजैक्शन का सेक्शन है 206C सी का सबसेक्शन वन सी तो ये सब सेक्शन वाइज आपको ध्यान होना चाहिए ठीक है फिर हमने टी की रेट्स पढ़ी थी कि टी की रेट्स क्या है पहला जो आइटम था तेंदूलिव उस, पे TCS 5 उस पे पर टी सी एस पांच परसेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूडिंग टिम्बर उस पर ढाई परसेंट फिर स्क्रैप एल्कोलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन सर्टेन मिनरल्स और मोटर व्हीकल पर वन परसेंट टी सी एस रेमिटेंस थ्रू एल आर एस और ओ टी पी पी इस पर कुछ केसेस में पांच परसेंट और कुछ केसेस में जीरो पॉइंट पांच परसेंट और लास्ट वाला जो था सेल ऑफ अदर गुड्स इस पर जीरो पॉइंट वन परसेंट और लीजिंग ट्रांजेक्शन पर टू परसेंट ये कल तक हम बात कर चुके थे अब इसके आगे स्क्रैप का यहां मीनिंग क्या है वॉट डू यू मीन बाय स्क्रैप तो स्क्रैप का मीनिंग दे रखा है नोट नंबर वन में स्क्रैप किसको बोलेंगे स्क्रैप का मतलब है वेस्ट एंड स्क्रैप जो कि किसी मटेरियल पर जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं या मैकेनिकल वर्किंग करते हैं किसी मटेरियल पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करते हैं या मैकेनिकल वर्किंग करते हैं तो जो वियर एंड टीयर ब्रिकेज होता है उसको हम स्क्रैप कहते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट उससे बनता है और स्क्रैप स्क्रैप में फर्क होता है वो स्क्रैप फाइनल प्रोडक्ट की तरह यूज नहीं हो सकता वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जनरेट हुआ है या मैकेनिकल वर्किंग के दौरान जनरेट हुआ है तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान दो चीज़ें जनरेट हुई फाइनल प्रोडक्ट और स्क्रैप लेकिन क्या स्क्रैप का यूज फाइनल प्रोडक्ट की तरह हो सकता है नहीं स्क्रैप का अलग ही यूज होता है तो कह रहे हैं स्क्रैप नॉट यूजेबल एज सच नॉट यूजेबल एज सच का मतलब वो फाइनल प्रोडक्ट के बराबर यूजेबल नहीं है फाइनल प्रोडक्ट की तरह यूजेबल नहीं है क्यों बिकॉज ऑफ ब्रिकेज कटिंग अप एंड वीयर एंड टीयर एंड अदर रीजन ठीक है फॉर एग्जाम्पल कोई स्टील फैक्ट्री है स्टील फैक्ट्री में फ्लैट आता है फ्लैट स्लैब की तरह होते हैं ठीक है फिर उनको प्रोसेस किया जाता है उससे पट्टी बनती है पट्टी से फिर बर्तन बनाए जाते हैं तो प्रोसेसिंग के दौरान स्क्रैप जनरेट हुआ स्क्रैप की सेल पर जीरो पॉइंट वन नहीं स्क्रैप की सेल पर वन परसेंट टी अप्लीकेबल है तो वो स्टील फैक्ट्री जब भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जनरेट हुआ स्क्रैप सेल करेगी सेलर है जिस बायर को सेल किया जाएगा उस बायर से सेलर सेलर कौन है अपनी स्टील फैक्ट्री वो टीसीएस कलेक्शन करेगी ठीक है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगी अब कई लोग शुरू में ऐसा समझते थे कि गवर्नमेंट ने ये सेक्शन टीसीएस की सारी सेक्शंस कैश ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए बनाई है कि कैश में कोई ट्रांजैक्शन ना करें तो लोग ये समझते थे पहले कि अच्छा कैश में ट्रांजेक्शन करेंगे तो टीसीएस लग जाएगा नो no. ये ट्रांजेक्शन हम कैसे भी कर रहे हैं इ रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर पेमेंट कैसे भी हो रहा है चाहे कैश में चाहे चेक से चाहे डीडी -डी से चाहे अदर मोड से इसका मतलब टीसीएस के प्रोविजन मोड ऑफ पेमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है बायर सेलर को कैसे भी पेमेंट करे लेसी लेसर को कैसे भी पेमेंट करे चाहे कैश में करे चाहे चेक से करे चाहे ऑनलाइन करे इलेक्ट्रॉनिक मोड से करे कैसे भी करे टीसीएस के प्रोविजन अपलीकेबल हैं तो वो मोड ऑफ पेमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है मोड ऑफ पेमेंट कुछ भी हो टीसीएस सी अप्लीकेबल रहेगा ठीक है फिर हमने टीडीएस चैप्टर में पढ़ा था कि हर सेक्शन में थ्रेश होल्ड लिमिट थी हर सेक्शन में थ्रेश होल्ड लिमिट थी ठीक है तो थ्रेश होल्ड लिमिट से एक्सीडिंग वहां पर हमने देखा अगर पेमेंट होता है तो टी टी डिडक्ट करना पड़ता है तो थ्रेश होल्ड लिमिट का झमेला क्या टी में भी है क्या टी में भी थ्रेश होल्ड लिमिट देखी जाएगी इन जनरल नहीं देखी जाएगी मेनी केसेस में थ्रेश होल्ड लिमिट है ही नहीं इसका मतलब टीसीएस कलेक्टिबल है इन ऑल केसेस इन जनरल कोई थ्रेश होल्ड लिमिट है ही नहीं लेकिन ये जो तीन नए सेक्शन आए ये जो तीन नए सेक्शन आए 206 सी सब सेक्शन वन एफ सबसेक्शन वन जी सबसेक्शन वन एच एफ जी एच वन एफ वन जी वन एच ये जो तीन सेक्शन आए इनमें थ्रेश होल्ड लिमिट है तो इन जनरल टीसीएस चैप्टर में थ्रेश होल्ड लिमिट नहीं है लेकिन तीन सेक्शन है टू जीरो सिक्स सी का सबसेक्शन वन एफ वन जी वन एच इसमें तो थ्रेश होल्ड लिमिट देखी जाती है तो ये बात मैंने याद रखी इन जनरल मैनी केसेस में थ्रेश होल्ड लिमिट है ही नहीं लेकिन एसेप्ट एसेप्ट तीन सेक्शन है 206 सी का सेक्शन वन एफ वन जी वन एच इसमें तो थ्रेश होल्ड लिमिट है क्या है वो आगे चलकर हम पॉइंट नंबर फाइव सिक्स सेवन में पढ़ लेंगे बट है फिर टीडीएस चैप्टर से कंपेयर करते हैं टीडीएस चैप्टर में वहां क्या बोला था टीडीएस डिडक्शन कब करना है आईदर एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू पे और क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ पे विच इज रिजल्ट पीसीई तो टीसीएस कलेक्शन कब किया जाएगा देखिए टीडीएस चैप्टर में तो क्या था पेयर पेई को पेमेंट करता है पेमेंट पेयर के पास ही पड़ा है वो पेई को कर रहा है तो पेई को पेमेंट करते वक्त टी काटना था तो वहां बोल दिया क्रेडिट और पेमेंट रिडलियर से लेकिन सेलर या लेसर को यहां पर बायर और लेसी से पेमेंट रिसीव होता है पेमेंट करना नहीं पड़ता उल्टे रिसीव होता है तो और लाइबिलिटी टीडीएस टीसीएस कलेक्शन की किसकी है टीसीएस कलेक्शन की लाइबिलिटी किसकी है सेलर और लेसर की तो चूंकि सेलर और लेसर को पैसा रिसीव होता है बायर या लेसी से तो जब उनको पैसा रिसीव हो कलेक्टी से और सेलर के लिए बायर जो होता है वो डेटर होता है तो सेलर बायर को अपनी बुक्स में क्या करता है डेबिट तो डेबिटिंग टू द अकाउंट ऑफ कलेक्टी विच एवरेज अर्लियर तो जहां पर हमने टी में देखा था कि उधर तो था पेमेंट और क्रेडिट विच एवरेज अर्लियर लेकिन टी में क्या हो रहा है पेमेंट की जगह रिसिप्ट क्रेडिट की जगह डेबिट विच एवरेज अर्लियर टीसी so, कलेक्शन <coughs> कब होगा एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम कलेक्टिव और एट द टाइम ऑफ डेबिट टू द अकाउंट ऑफ कलेक्टिव विच इज अर्लियर बट इन जनरल है ये जनरल प्रोविजन है कुछ केसेस में जैसे हमने टीडीएस चैप्टर में देखा था एट द टाइम ऑफ पेमेंट ही था कुछ कुछ सेक्शन में क्या टीडीएस की अप्लीकेबिलिटी एट द टाइम ऑफ पेमेंट थी तो यहां पर भी कुछ कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहां पर रिसिप्ट के टाइम पर ही टीसीएस कलेक्शन होगा क्रेडिट डेबिट के वक्त नहीं ठीक है डेबिट के वक्त नहीं होगा सिर्फ रिसिप्ट के वक्त होगा ऐसे कौन से सेक्शन हैं जिसमें सिर्फ रिसिप्ट के वक्त टीसीएस कलेक्शन होगा दो सेक्शन टू जीरो सिक्स सी का सबसेक्शन वन एफ और वन एच वन एफ और वन एच में एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट टीसीएस कलेक्शन होगा अच्छा पैसा टुकड़ों में धीरे धीरे आ रहा है रिसिप्ट धीरे धीरे हो रही है पार्ट में हो रही है तो टी <coughs> कलेक्शन भी उतने उतने पार्ट पे किया जाएगा फिर अब सबसे पहला मुद्दा उठाते हैं अभी तक आपने सिर्फ जनरल बातें की एक चैप्टर का हमने अभी तक ओवरव्यू लिया अब हम स्पेसिफिक बातें करने जा रहे हैं। तो सेक्शन 206 सी का सबसेक्शन 1 एफ किस पे अप्लीकेबल है सेल ऑफ मोटर व्हीकल तो उस पर टीसीएस कैसे लगेगा उसकी बात करते हैं तो 206 सी का सबसेक्शन 1 एफ सेल ऑफ मोटर व्हीकल पर टीसीएस अब आप सोचेंगे कि अच्छा हम सपोज इनोवा परचेस करने जाएं तो या कोई भी फोर व्हीलर परचेज करने जाएं तो क्या टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा सेलर हम बायर हैं सेलर हमारा हमसे टीसीएस कलेक्ट करेगा क्या क्योंकि यहां दे रखा है टीसीएस ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल तो चेक करते हैं एवरी पर्सन बींग ए सेलर हु एनी अमाउंट ए सेल कंसिडेशन ऑफ ए मोटर व्हीकल मोटर व्हीकल कैसा मोटर व्हीकल ऐसा जिसकी वैल्यू दस लाख से एक्सीडिंग हो ऐसा मोटर व्हीकल जिसकी वैल्यू दस लाख से एक्सीडिंग हो तो ही इस सेक्शन का टीसीएस एप्लीकेबल होगा मैंने कहा था कि तीन सेक्शन हैं 206 जीरो सी का सेक्शन वन एफ वन जी वन एच जहां पर थ्रेश है तो यहां इस सेक्शन में थ्रेश हुई? 10 लाख। तो अगर मोटर व्हीकल की वैल्यू 10 लाख को एक्सीड करती है तो सेलर बायर से एट द टाइम ऑफ रिसेप्ट एट द टाइम ऑफ रिसप्ट टीसीएस कलेक्ट करेगा कितना वन परसेंट रेट क्या थी वन परसेंट वन परसेंट टीसीएस कलेक्ट करेगा वो हम रेट चार्ट में देखकर आगे थे अब एक सवाल पैदा होता है सपोज मोटर व्हीकल ग्यारह लाख का है तो क्या दस लाख ,00 से एक्सीडिंग वैल्यू पर ही टीसीएस कलेक्शन होगा क्या या पूरे पर होगा यहां पर क्लियर दे रखा है वन परसेंट ऑफ सेल कंसीडरेशन वन परसेंट ऑफ सेल कंसीडरेशन तो अगर मोटर व्हीकल की वैल्यू ग्यारह लाख है तो सेल कंसीडरेशन ग्यारह लाख तो पूरे ग्यारह लाख पूरे सेल कंसीडरेशन का वन परसेंट टीसीएस सेलर बायर से लेगा कैसे लेगा दस लाख प्लस वन परसेंट ऑफ टेन लैख प्लस वन परसेंट ऑफ टेन लैख ठीक है तो सेलर की ड्यूटी है दस लाख तो ले गई नहीं मतलब ग्यारह लाख है मोटर व्हीकल की वैल्यू ग्यारह लाख तो ले गई ग्यारह लाख का वन परसेंट और चार्ज करेगा सेलर बायर से और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा ठीक है अब अभी मैंने जो मुद्दा उठाया था कि आप बायर हो आप मोटर व्हीकल खरीदने गए उसकी वैल्यू टेन लैक को एक्सीड करते हैं करती है फॉर एग्जाम्पल आप इनोवा परचेस करने गए तो क्या सेलर आपसे टीसीएस कलेक्शन करेगा या नहीं उस मुद्दे पर सीबीडीटी का सर्कुलर सीबीडीटी टी ने बोला कि टी सी एस शेल अप्लाई ऑन द सेल ऑफ ओनली ऑन रिटेल सेल जवाब मिल गया रिटेल सेल पर टीसीएस कलेक्शन होगा इसका मतलब यस आप बायर हो आप 10 लाख से ज्यादा वैल्यू का मोटर व्हीकल बाय कर रहे हो परचेस कर रहे हो तो यस सेलर वो शोरूम वाला आपसे टीसीएस कलेक्शन करेगा ठीक है अब वो शोरूम वाले ने भी तो मैन्युफैक्चरर से परचेस किया होगा पूरा ट्रांजेक्शन कैसे चला होगा उस मैन्युफैक्चरर ने शोरूम वाले को दिया होगा उसको मैं बोलता हूं डीलर डीलर को दिया होगा अब डीलर आगे बायर को बेच रहा है तो पूरा ट्रांजेक्शन तो ऐसे कंप्लीट हो रहा है मैन्युफैक्चरर ने कार बनाई फिर अपने डीलर को बेची फिर डीलर ने आगे कस्टमर बायर को बेची तो TCS कौन से वाले ट्रांजेक्शन पर लगेगा अभी हमने बात की रिटेल सेल पर ही लगेगा तो रिटेल सेल वाला ट्रांजेक्शन तो सिर्फ इतना ही है तो सिर्फ इस पे टीसीएस लगेगा और सीबीटीटी ने क्लरिफाई किया कि इट विल नॉट अप्लाई ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल बाय मैन्युफैक्चरर टू डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर तो जब मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर रहा है तब ये वाला टीसीएस अप्लीकेबल नहीं होगा क्यों सिर्फ रिटेल सेल पर ही ये वाला टीसीएस रखा गया है ओनली ऑन रिटेल सेल क्लियर अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन का पॉइंट नंबर बी क्वेश्चन नंबर वन क्या है डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीसीएस प्रोविजन अंडर सेक्शन टू जीरो सिक्स इन द फॉलोइंग केसेस पॉइंट नंबर बी पहले करते हैं एच लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर है जो लग्जरी कार्स बनाते हैं लग्जरी कार्स इन जनरल बहुत ज्यादा वैल्यू की होती है सोल्ड 50 कार्स ऑन फर्स्ट सेप्टेंबर 2022 थाउजेंड टू एन एम पी लिमिटेड इट्स डीलर तो मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा है अपने डीलर को और हर कार की कॉस्ट है बीस लाख हर कार की कॉस्ट है बीस लाख मतलब मोटर व्हीकल की वैल्यू टेन लाख को एक्सिट कर रही है तो क्या टीसीएस का ये सेक्शन टू जीरो सिक्स -वन, वन एफ अप्लीकेबल हो जाए क्या मैंने बोला सिर्फ रिटेल सेल पर है ये तो मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा है डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को तो अब भी इस पर सीएस एप्लीकेबल नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरर कितना पैसा चार्ज करे डीलर से सिर्फ 20 लाख एक कार का 50 कार 50 कार की सेल हुई है ठीक है तो इतना ही पैसा चार्ज करे मतलब टीसीएस कलेक्शन नहीं करेगा मैन्युफैक्चरर डीलर से टीसीएस चार्ज नहीं करेगा क्योंकि इस केस में टीसीएस सिर्फ रिटेल सेल पर है और ये रिटेल सेल नहीं है फिर चलिए क्वेश्चन का ए पार्ट कर लेते हैं पॉइंट नंबर ए ए पार्टनरशिप से मेकिंग सेल्स ऑफ द टिम्बर टिम्बर सेल कर रहे हैं विच वॉज प्रोक्योर्ड एंड ऑप्टेन अंडर ए फॉरेस्ट लीज सेल क्या कर रहे हैं टिम्बर तो क्या सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स हो रहा है टिम्बर स्पेसिफाइड गुड्स है एनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड इंक्लूडिंग टिम्बर तो इस पर सेलर कौन है पार्टनरशिप फर्म बायर से टीसीएस कलेक्ट करेंगे कितना कलेक्ट करेंगे ढाई परसेंट ढाई परसेंट है ढाई परसेंट टी कलेक्ट करेगी ये पार्टनर से फर्म जो कि सेलर है किससे कलेक्ट करेगी बायर से गुड्स की वैल्यू पर ठीक है अब एक सवाल और गुड्स की कौन सी वैल्यू कंसीडर की जाएगी जीएसटी जोड़ के या जीएसटी छोड़ के जीएसटी जोड़ के इंक्लूडिंग जीएसटी या एक्सक्लूडिंग जीएसटी देखिए टीडीएस चैप्टर में टीडीएस चैप्टर में हर जगह बोला जीएसटी एक्सक्लूडिंग वैल्यू लेकिन टीसीएस चैप्टर में हर जगह वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी पर टीसीएस कलेक्शन होगा हर जगह वैल्यू इनक्लूडिंग जीएसटी पर टीसीएस कलेक्शन होगा यह टीडीएस और टीसीएस में डिफरेंस है बेसिक टीडीएस चैप्टर में हर जगह जो वैल्यू कंसीडर की जाती है जिस पे टीडीएस डिडक्शन करना है वह हम लेते हैं वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी और टीसीएस चैप्टर में जो वैल्यू पे टीसीएस कलेक्शन करना है वो इंक्लूडिंग जीएसटी होगा चलिए अब सेल ऑफ मोटर व्हीकल समझ लिया सेल ऑफ मोटर व्हीकल के बाद ये क्या था सेक्शन टू जीरो सी का वन एफ ठीक है टीडीएस डी की रेट क्या थी वन परसेंट टी टीसी, टीसीएस कलेक्शन कब होता है एट द टाइम ऑफ रिसेप्ट एट द टाइम ऑफ रिसेप्ट देखिए ऊपर लिखा है ना वन एफ केस में सिर्फ रिसेप्ट के वक्त होगा वैसे तो आर और डी विच ऑफ रिजल्ट लियर रिसेप्ट और डेबिट विच ऑफ रिजल्ट लियर होता है लेकिन सेक्शन टू जीरो सिक्सन वन एफ होता है तो ऐट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ही होता है ठीक है अब दूसरा सब सेक्शन पढ़ते हैं सेक्शन 206 सी का सब सेक्शन वन जी वन जी तो पॉइंट नंबर सिक्स अगर कोई पर्सन इंडिया से पैसा बाहर फॉरेन कंट्री में भेज रहा है फॉरेन रेमिटेंस कर रहा है थ्रू एलआरएस, आर एल आर एस एक स्कीम है आर बी आई की आर बी आई ने बोला ठीक है हम इतने स्ट्रिक्ट भी नहीं है कि आप इंडिया से फॉरेन में पैसा भेज भी ना सकें भेज सकते हैं इंडिया से आप रेमिटेंस फॉरेन कंट्री में भेज सकते हैं उसके लिए आर बी आई ने एक स्कीम बनाई लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम आर बी आई ने बनाई अब अपने पूरे डिस्कशन में हम इसको शॉर्ट में एल आर एस बोलेंगे तो फॉरेन रेमिटेंस थ्रू एल आर एस तो इसके लिए आप कैसे पैसे कैसे भेजेंगे मान लो आपको किसी अपने फॉरेन में रिलेटिव को पैसे ट्रांसफर करने हैं तो इसके लिए आप अथोराइज डीलर के पास जाइए। जब भी वर्ड लिखा हो अथोराइज डीलर अच्छा अथोराइज डीलर का मतलब क्या होता है जीएसटी पढ़ रखा है तो अथोराइज डीलर का मतलब क्या होता है नॉर्मल आम आदमी के हिसाब से ही दिमाग लगाते हैं हम अथोराइज डीलर का मतलब होता है लिख दो पास में अथोराइज डीलर कौन होता है बैंक या मनी चेंजर बैंक और मनी चेंजर जो करेंसी कन्वर्जन सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप बैंक या मनी चेंजर के पास जाओगे रुपीस लेके जाओगे रुपीस लेकर आप जाओगे कि इनको कन्वर्ट कर दो डॉलर में क्यों फॉरेन जब भेजना है तो एज इट इज रुपी में तो भेज नहीं पाओगे तो कन्वर्जन करना पड़ेगा उनका तो आप बैंक या मनी चेंजर इनको हम क्या बोलते हैं अथोराइज डीलर इनको पैसा दोगे कि ये दस लाख रुपीस लो रुपीस इनको डॉलर में कन्वर्ट कर दो और मेरे को मेरा सन या डॉटर फॉरेन में एजुकेशन के लिए गए हुए हैं उनको पैसा भेजना है या मेरे वहां पर किसी रिलेटिव को वीजा नहीं मिल रही है तो उसको वीजा के लिए पैसे भेजने फॉरेन रेमिटेंस करनी है तो अथोराइज डीलर को आप रुपीज दोगे वो इनको कन्वर्ट करके एल आर एस स्कीम में उधर आपके उस रिलेटिव को पेमेंट करवा देंगे उधर फॉरेन में आपके पर्सन को पैसा मिल जाएगा ये सर्विस जब अथोराइज डीलर देता है आपको तब आपसे जो भी चार्ज लेगा उस पर टीसीएस कलेक्शन करेगा ठीक है तो अथोराइज डीलर आप उसको पैसा दे रहे हो मतलब उसको पैसा रिसीव हो रहा है तो अथोराइज डीलर हु रिसीव्स एन अमाउंट और एग्रीकेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग एक लिमिट तक टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा तो अमाउंट कितना अमाउंट गिवन बिलो अभी पढ़ेंगे पूरे साल में आपने बार बार पैसा भेजा तो पूरे साल का एग्रीगेट किया जाएगा इन ए फाइनेंशियल ईयर पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने बार बार पैसा भेजा एग्रीगेट किया जाएगा फॉर रेमिटेंस आउट ऑफ इंडिया अंडर एल आर एस स्कीम तो उस पे ये ऑथोराइज डीलर आपसे टी सी एस कलेक्ट करेगा ठीक है अब कितना कलेक्ट करेगा टीसीएस की रेट क्या होगी और मैंने बोला था तीन सेक्शन है उसमें थ्रेश लिमिट है वन एफ वन जी और वन एच तो ये वन जी चल रहा है टू जीरो सिक्स सी का वन जी तो इसमें थ्रेश लिमिट क्या है टीसीएस की रेट क्या है तो पढ़ते हैं पॉइंट नंबर ए ऊपर रेट चार्ट में हम क्या पढ़ क्या है कि कुछ केस में पांच परसेंट है और कुछ केस में जीरो पॉइंट पांच परसेंट है तो पांच परसेंट कब है पांच परसेंट जनरल है आप आपको बोला जाएगा अब आपको नाम दिया जा रहा है बायर आपको बायर नाम क्यों दिया जा रहा है आप पैसा भेज रहे हो ऑथोराइज डीलर सेलर की कैपेसिटी में और आप बायर ऐसे कैसे आप तो पैसा भेज रहे हो तो आपके लिए तो वर्ड यूज होना चाहिए रेमिटर। आप तो पैसा भेज रहे हो ना तो आपके लिए वर्ड यूज होना चाहिए रेमिटर तो अब बायर वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं अरे पूरा सिस्टम समझो आपने उनको रुपीस दिए वो आपको डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं पहले उन रुपीस को मतलब आपने उनसे डॉलर बाय किए हैं इसलिए आप बायर हो बात समझे इसलिए आपको बायर कहा जा रहा है आप फॉरेन में रेमिटेंस कर रहे हो तो रेमिटेड बाय बायर किस पर टीसीएस चार्ज होगा पूरे फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट किया जाएगा आपने बार बार पैसा भेजा तो जितना जितना पैसा आपने बार बार भेजा उन सबका एग्रीगेट किया जाएगा और अगर सात लाख से एक्सीडिंग पैसा भेजा है तो ही टीसीएस कलेक्शन होगा और वर्ड ए पांच परसेंट किसका पांच परसेंट किसका ऑफ द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ सेवन लैख लाख भेजा तो क्या पूरे आठ लाख पे टीसीएस कलेक्शन होगा या सात लाख के ऊपर जितना है उस पर ही होगा लैंग्वेज बड़ी क्लियर है अमाउंट इन एक्सेस ऑफ सेवन लैख मतलब सात लाख के ऊपर जो अमाउंट है उस पर टीसीएस कलेक्ट होगा पांच परसेंट की रेट से अथोराइज डीलर आपसे फॉरेन रेमिटेंस करने पर टीसीएस चार्ज करेगा ठीक है अच्छा ऐसे हो कि पहले तो आपने चार लाख भेजे थे पहले आपने चार बार भेजा पूरे साल में पैसा पहले चार लाख भेजे फिर दो लाख भेजे फिर तीन लाख भेजे ठीक है तो पहले चार लाख भेजे फिर दो लाख भेजे, फिर तीन लाख भेजे। जब आपने पहला ट्रांजैक्शन किया होगा रेमिटेंस का तब टीसीएस कलेक्शन नहीं होगा क्योंकि सात लाख से एक्सीडिंग हुआ ही नहीं दूसरे ट्रांजेक्शन पे भी नहीं और तीसरे ट्रांजेक्शन में तीन लाख भेजा आपने तो क्या पूरे तीन लाख पर होगा नहीं पूरे साल का जब एग्रीगेट करते करते सात लाख को एक्सीड होगा तो जितना सात लाख के ऊपर गया है उस पर ही टीसीएस कलेक्शन होगा तो सात लाख के ऊपर कितना गया इसके इसमें सिर्फ दो लाख तो दो लाख का पांच परसेंट अथोराइज डीलर आपसे फॉरेन रेमिटेंस करने पर टीसीएस चार्ज करेगा कलेक्ट करेगा ठीक है लेकिन अगर रेमिटर आर्ग्यूमेंट करता है और सपोर्टिंग एविडेंसेस फर्निश करता है कि मैं पैसा भेज तो रहा हूं फॉरेन में रेमिटेंस तो आपके थ्रू करवा रहा हूं लेकिन ये तो मैंने एजुकेशन के लिए लोन उठाया हुआ है मेरा सन या डॉटर को मैंने फॉरेन में एजुकेशन के लिए भेजा है वहां पर उनको पैसे की जरूरत है तो मैंने इंडिया में एजुकेशनल लोन उठाया है उनके लिए लोन मैंने इंडिया में उठाया है और ये लोन मेरे पास तो पैसा है नहीं मेरे पास नहीं है पैसा मैंने इंडिया में लोन लिया है और ये लोन का पैसा मैं उनको फॉरेन रेमिटेंस करना चाहता हूँ तो गवर्नमेंट कहती है नहीं एजुकेशन के एजुकेशन का मामला है तो थोड़ा हम सिंपैथी रखते हैं थोड़ा बहुत दया भाव है हमारे मन में तो अब टीसीएस की रेट फाइव परसेंट नहीं रहेगी जीरो पॉइंट फाइव परसेंट हो जाएगी तो अगर आप जो फॉरेन में रेमिटेंस भेज रहे हो उसका सोर्स आपका इंडिया में उठाया हुआ एजुकेशनल लोन है तो टीसीएस की रेट जीरो पॉइंट फाइव परसेंट हो जाएगी और यहां पर भी सात लाख तक टीसीएस चार्ज नहीं होगा सात लाख के ओवर एंड अबो जितना अमाउंट है उस पर टीसीएस चार्ज होगा तो ऐसा कब टीसीएस की रेट कम हो गई पांच परसेंट के बजाय जीरो पॉइंट पांच परसेंट हो गई अगर आप ये जो रेमिटेंस कर रहे हो इफ सच अमाउंट इज रेमिटेड आउट ऑफ लोन ऑपटेन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एटी वाला आपने डिडक्शन चैप्टर में पढ़ा एटी एजुकेशनल लोन के लिए फॉर द पर्पस ऑफ परसुइंग एनी एजुकेशन तो अगर आपने इंडिया में एजुकेशनल लोन उठाया वो पैसा आप फॉरेन में रेमिटेंस कर रहे हो एजुकेशन किसी की भी हो ये नहीं बोला है सन और डॉटर की एजुकेशन के लिए भेज रहे हो किसी की भी एजुकेशन के लिए पैसा भेज रहे हो आप फॉरेन में रेमिटेंस कर रहे हो और उस फॉरेन रेमिटेंस का सोर्स है आपका इंडिया में उठाया हुआ एजुकेशनल लोन तो फिर टीसीएस की रेट कम हो जाएगी ठीक है तो एक बात करते हैं हम जैसे एक पर्सन फॉरेन में रेमिटेंस कर रहा है पंद्रह लाख अब पंद्रह लाख उससे पूछा जा रहा है पंद्रह लाख का बता भाई हिसाब क्या है पंद्रह लाख में से कितना कितना तू फॉरेन में भेज रहा है अमाउंट थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं सपोज वो फॉरेन में रेमिटेंस कर रहा है बीस लाख बीस लाख उसका कहना है बीस लाख फॉरेन रेमिटेंस करने के लिए मैंने ये इसमें से दस लाख तो मेरी खुद का पैसा है मेरा ओन फंड और दस लाख मेरा उठाया हुआ लोन एजुकेशनल लोन तो अब सवाल ये पैदा होता है ये सात लाख की जो छूट दी है हमें थ्रेश लिमिट दी है वो दोनों पर अप्लीकेबल होगी क्या दोनों पर अप्लीकेबल होगी क्या यह एजुकेशन के लिए भेज रहा है उसका कहना है मैं तो भेज तो एजुकेशन के लिए रहा हूं लेकिन बैंक ने मेरे को भेजना था बीस लाख लेकिन बैंक ने लोन सेंशन दस लाख ही किया तो दस लाख मुझे अपने ओन सोर्सेस से भेजना पड़ रहा है तो दस लाख मेरा ओन सोर्स है और ये दस लाख एजुकेशनल लोन इसका सोर्स है तो क्या इन दोनों के लिए सात लाख की छूट हो जाएगी सिर्फ एक के लिए होगी इशू यह है तो अब मेरे को एक बार बताना टीसीएस की रेट कैसे कैसे लगाओगे आप वो ओन सोर्स वाला जो है उस पर पांच परसेंट और अगर इस रेमिटेंस का सोर्स एजुकेशनल लोन है तो जीरो पॉइंट पांच परसेंट रेट अलग दे रखिए और जब गवर्नमेंट ने रेट अलग की तब बोला कि जो अमाउंट इन एक्सेस ऑफ सेवन लाख है उसके लिए जीरो पॉइंट फाइव परसेंट और अपने ओन सोर्सेस से जो अमाउंट भेज रहे हैं वो इन एक्सेस ऑफ सेवन लैख पाँच परसेंट और दोनों के बीच में और लिखा है और तो कहने का मतलब ये मुद्दा ये है कि सात लाख की छूट दोनों के लिए है या नहीं दोनों के लिए है ओन सोर्स से जो भेज रहे हैं दस लाख उस पर भी सात लाख की छूट हो जाएगी और जो एजुकेशनल लोन वाले सोर्स से पैसा आया दस लाख वो फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हैं उसपे भी सात लाख की छूट हो जाएगी तो बैलेंस अमाउंट पर ही इस तरीके से टीसीएस होगा ठीक है हमने टीडीएस चैप्टर में पढ़ा था कि पेयर पेई को पेन नंबर दे ठीक उसी पैटर्न पर वो उधर टीडीएस चैप्टर में ऐसा कौन सा सेक्शन था टू जीरो सिक्स डबल ए ठीक उसी पैटर्न पर यहां टीसीएस चैप्टर में भी सेक्शन है टू जीरो सिक्स डबल सी उसमें क्या लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है जैसे उधर टीडीएस चैप्टर में था प्रेस्क्राइब रेट और ट्वेंटी इज हायर इधर दास्तान अलग है इधर लिखा है प्रेस्क्राइब रेट का ट्वाइस और फाइव परसेंट इज हायर तो कराइड रेट का ट्वाइस और फाइव परसेंट विच्च हायर लेकिन यहां थोड़ा डिफरेंस और भी है अरे उस सेक्शन में तो बोला था पेयर पे को पेन नंबर दे अगर और यहां क्या बोल रहे पेन नंबर नहीं है तो आधार नंबर भी दे सकते हो चलेगा टीडीएस चैप्टर आधार नंबर को इंपॉर्टेंस नहीं देता टीसीएस चैप्टर में पेन नंबर नहीं है तो आप आधार नंबर भी दे सकते हो ठीक है तो अगर पेन नंबर या आधार नंबर नहीं दिया जाता है नॉन पेन और नॉन आधार केस उस केस में टीसीएस की रेट क्या हो जाएगी प्रेस्क्राइब रेट का ट्वाइस डबल और फाइव परसेंट वेच एवरेस्ट हायर ठीक है ये तो हमने पढ़ा फॉरेन रेमिटेंस थ्रू एल आर एस अब पढ़ते हैं ओ टीपीपी ओ ओ का मतलब क्या ओ का मतलब क्या लैंग्वेज है ओवरसीज ओवरसीज का मतलब फॉरेन ओवरसीज का मतलब फॉरेन तो फॉरेन टूर प्रोग्राम पैकेज विदेश में घूमने के लिए इंडिया में घूमने के लिए नहीं विदेश में घूमने के लिए फॉरेन कंट्री में घूमने के लिए अगर आप किसी टूर एजेंसी को पेमेंट करते हो तो वो टूर एजेंसी सेलर है आप बायर हो इस टूर पैकेज के पैकेज है टूर पैकेज है आप बायर हो और वो सेलर है तो वो जो सेलर है इस ओ का अब मैं शॉर्ट में शॉर्ट में इसको शॉर्ट में इसको ओ टीपीपी बोलूंगा ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज ओ का जो सेलर है वो अच्छा इसको अब मैं और इजी लैंग्वेज में बोल दूँ सेलर ऑफ ओटीपीपी को मैं बोल दूँ टूर एजेंसी आम आदमी की लैंग्वेज टूर एजेंसी ठीक है तो टूर एजेंसी जो पर्सन घूमने जा रहे हैं फॉरेन कंट्री में उससे टूर एजेंसी पैसा चार्ज करते वक्त अपनी सर्विस का जो भी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं पैकेज है हमारा पैक पैकेज में क्या ऑफर होता है कि इस होटल में आपको ठहराया जाएगा खाना वाना सब हमारी तरफ से घुमाया भी जाएगा और वहां पर घुमाने ले जाएंगे साइट दिखाएंगे सारा पैकेज हमारी तरफ से इस तरीके से होता है टूर पैकेज तो जो सेलर ऑफ टूर पैकेज होता है मतलब टूर एजेंसी वो आपसे पैसा चार्ज करेगी तो जब आप उसको पैसा दोगे उसको अमाउंट रिसीव होगा तब वो टी कलेक्शन करेंगे उस अमाउंट पर तो सेलर ऑफ ओ -पी -पी मतलब टूर एजेंसी हु रिसीव एनी अमाउंट एनी अमाउंट लिख दिया एनी अमाउंट को मैंने बोल्ड कर रखा है मतलब ओ -पी -पी के लिए फ्रेश होल्ड लिमिट नहीं है अब मजे की बात यह है सेक्शन 206C का जो सबसेक्शन वन जी है वन जी सबसेक्शन वन जी उसके अंदर दो बातें बोली है एक तो फॉरेन थ्रू उसमें तो सात लाख की थ्रेश लिमिट दी है ना लेकिन ओ के अंदर कोई थ्रेशोर्ड लिमिट नहीं है लिखा है एनी अमाउंट ठीक है टीसीएस की रेट जरूर से में पांच परसेंट तो बायर से बायर से कस्टमर से वो टूर एजेंसी टूर पैकेज का जो भी अमाउंट चार्ज किया जाएगा उस पर टीसीएस जोड़कर चार्ज किया जाएगा ठीक है तो ओ का मतलब क्या है एक ऐसा पर्सन जो टूर पैकेज देता है विजिट टू कंट्री कंट्रीज टेरिटरी टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया तो कोई बोले आपको कि क्या ये टूर एजेंसी सिर्फ फॉरेन टूर पर ही टीसीएस चार्ज करने के लिए लायबल है या इंडिया में भी जो टूर करवाती है ये एजेंसी तो उस पर भी टीसीएस लगेगा सिर्फ फॉरेन टूर सिर्फ फॉरेन टूर पर है टीसीएस इंडियन टूर पर नहीं है आउटसाइड इंडिया लिखा है और इसमें वो जो पैसा चार्ज करते हैं वो ट्रैवलिंग का पैसा चार्ज करते हैं होटल में ठहराएंगे पूरा पैकेज है हमारा कि ट्रैवल का इतना है होटल स्टे बोर्डिंग लॉजिंग वहाँ पर आपको खिलाया पिलाया जाएगा और एनी अदर एक्सपेंडिचर ऑफ सिमिलर नेचर और इन रिलेशन देयर टू वहाँ पर साइट दिखाई जाएंगी इस गार्डन में घुमाया जाएगा इस हिस्टोरिकल प्लेस पे घुमाया जाएगा पहले से सारा पैकेज आपको रिटर्न में दिया जाता है ठीक है तो फॉरेन टूर के लिए आप उस टूर एजेंसी को जो भी पेमेंट करेंगे वो टूर एजेंसी आपसे टीसीएस चार्ज करेगी और यहां पर भी अगर बायर पेन नंबर नहीं देता या आधार नंबर नहीं देता तो सेक्शन टू जीरो सिक्स डबल सी क्या बोलेगा प्रेस्क्राइब रेट का डबल और पांच परसेंट विच एवरिस्ट हायर विच एवरेस्ट हायर बट इस इस केस में में सेक्शन इसक्राइब रेट क्या है पांच परसेंट उसका डबल टेन परसेंट और पांच परसेंट विच एवरिस्ट हायर तो इस केस में हायर क्या हो जाएगा टेन परसेंट हायर क्या हो जाएगा इस यहां पर टेन परसेंट हो जाएगा ठीक है अच्छा ये जो टूर एजेंसी है बायर से टीसीएस कलेक्ट कब करेगी क्या अमाउंट रिसीव करते वक्त या रिसीव और डेबिट विच एवरिस्ट अर्यर अरे दो सेक्शन थे जिसमें सिर्फ रिसिप्ट के वक्त था और वो दो सेक्शन थे वन एफ और वन एच वन जी नहीं लिखा है वन जी नहीं लिखा है मतलब वहां पर दो जनरल प्रोविजन ही लगेगा रिसप्ट और डेबिट विच एवरिज अर्लियर तो यह बात यहां दे रखिए कि कब एट द टाइम ऑफ डेबिट और एट द टाइम ऑफ रिसप्ट विच एवरेज अर्लियर ठीक है अब वन जी सबसेक्शन वन जी के अंदर एक खास बात बोली गई कि ये वन जी अपीकेबल नहीं होगा वन जी अपीकेबल नहीं होगा अगर बायर बोलता है कि मैं टीडीएस डिडक्ट करूंगा बायर बोलता है मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं टीडीएस चैप्टर के किसी सेक्शन ने मेरे को बोला है आप टीडीएस काटो तो बायर जब बोले कि मैं टीडीएस काटूंगा कैसे कैसे तो ये प्रोविजन कैसे लगेगा बायर कैसे बोल सकता है मैं टीडीएस काटूंगा फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है एक कंपनी है अपने सारे एम्प्लॉइज को स्विट्ज़रलैंड ले जा रही है घुमाने के लिए पंद्रह दिन का फॉरेन टूर बनाया गया है कि अपने एम्प्लॉयज को स्विट्जरलैंड लिया लेके जाएंगे उसके लिए इस कंपनी ने टूर एजेंसी के साथ टाइप किया ठीक है तो अब टूर एजेंसी नहीं जो मेन कंपनी है पेमेंट कर रही है टूर एजेंसी को मेन कंपनी पेमेंट करेगी तो सेक्शन 194C सी में टीडीएस काट लेगी मतलब इस केस में बायर टीडीएस काटने के लिए लायबल हो जाता है अगर बायर टीडीएस काटने के लिए लायबल है तो सेलर पे टीसीएस के प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होंगे अगर बायर टीडीएस डिडक्शन के लिए लायबल है बायर इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस तो सेलर पर से टीसीएस के प्रोविजन हट जाएंगे ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट <coughs> और ये बात सिर्फ सब सेक्शन वन जी में लिखी हुई है और यहां लिखा है कि अगर इस सेक्शन को इंप्लीमेंट करने में कोई डिफिकल्टी अराइज हो यह पंगा हर जगह डालना गवर्नमेंट हर सेक्शन में गवर्नमेंट ने डालना शुरू कर दिया कि अगर इस सेक्शन को इंप्लीमेंट करने में डिफिकल्टी अराइज होती है तो सी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल लेकर गाइडलाइंस इशू कर सकती है और ये गाइडलाइंस बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में रखी जाएंगी और वहां पास होने के बाद इसका बाइंडिंग इफेक्ट होगा किस पर इनकम टैक्स अथॉरिटीज पर और पर्सन लाइबल टू कलेक्ट टीसीएस पर तो एक केस में डिफिकल्टी हो रही थी तो नोटिफिकेशन इश्यू किया गया कि ये टू जीरो सिक्स वन जी अप्लाई नहीं होगा एक केस में अप्लाई नहीं होगा अगर बायर इंडिविजुअल है और वो इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट है रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर के सेक्शन सिक्स वन और वन ए के हिसाब से वो नॉन रेजिडेंट है प्लस वो सिर्फ इंडिया में विजिट के लिए आया है तो उस पे ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा ठीक है ये हमने किया 206 जीरो का वन जी चलिए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू डिस्कस टीसीएस सी इन द फॉलोइंग डिफरेंट केसेस केस नंबर वन ऑन ट्वेंटी अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू मिस्टर पी वांट्स टू ट्रांसफर इलेवन लेक टू यूएसए ग्यारह लाख यूएसए में भेजना चाहते हैं फॉरेन रेमिटेंस करना चाहते हैं ए लिमिटेड के थ्रू जो कि ऑथोराइज फॉरेन एक्सचेंज डीलर है ठीक है तो ऑथोराइज डीलर के थ्रू फॉरेन रेमिटेंस 11 लाख की करना चाहते हैं अंडर एलआरएस स्कीम ऑफ आरबीआई, क्या टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा टू जीरो सिक्स सी सबसेक्शन वन जी का <coughs> कितना अप्लीकेबल होगा क्या पूरे ग्यारह लाख पर या सात लाख की छूट है सात लाख लेस होगा ग्यारह लाख में से सात लाख लेस हुआ तो बाकी बचा चार लाख चार लाख पे कितना टीसीएस कलेक्ट करे अथोराइज डीलर अथोराइज डीलर मिस्टर पी से चार लाख पर पांच परसेंट की रेट से टीसीएस कलेक्ट करेगा ठीक है तो ग्यारह लाख तो ले गई प्लस चार लाख का पांच परसेंट और चार्ज करेगा फिर सेकंड, ऑन सिक्स अक्टूबर 2022 मिस्टर क्यू वांट्स टू ट्रांसफर फोर लाख टू कनाडा थ्रू बी लिमिटेड जो कि अथोराइज डीलर है तो चार लाख कनाडा में भेजने ट्रांसफर करने अथोराइज डीलर बी लिमिटेड के थ्रू तो बताइए जब ये पहला ट्रांजेक्शन 6 अक्टूबर को हुआ होगा चार लाख ही भेजे गए जो सात लाख को एक्सीड नहीं करते थे तो क्या फर्स्ट ट्रांजेक्शन पर टीसीएस सी अप्लीकेबल होगा नहीं फिर 20 अक्टूबर को कुछ दिन बाद ही 6 लाख और 6 लाख और सेम अथोराइज डीलर पहले अथोराइज डीलर कौन है पहले ट्रांजेक्शन का ऑथोराइज डीलर कौन है बी लिमिटेड और अब जब दूसरा ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका भी अथोराइज डीलर है बी लिमिटेड सेम तो अब टीसीएस अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा लेकिन पूरे साल में एग्रीगेट कितना भेजा गया चार लाख और छह लाख टोटल दस लाख पूरे साल का एग्रीगेट दस लाख उसमें से सात लाख की छूट सात लाख से एक्सी सात लाख से एक्सीडिंग कितना हुआ सिर्फ तीन लाख सिर्फ तीन लाख ही हुआ सात लाख से एक्सीडिंग तो उसपे पांच परसेंट टीसीएस कलेक्ट करे अथोराइज डीलर बी लिमिटेड मिस्टर क्यू से ठीक है फिर पॉइंट नंबर थ्री ऑन थर्ड अक्टूबर 2022 मिस्टर आर वांट्स टू 4 लाख लेकू सिंगापुर थ्रू एबी लिमिटेड एबी लिमिटेड के थ्रू भेज रहे हैं चार लाख फिर दूसरा एक ट्रांजेक्शन और किया है छह लाख भेज रहे हैं जापान में लेकिन अब अथोराइज डीलर बदल दिया पहले ट्रांजेक्शन में अथोराइज डीलर एबी लिमिटेड अब अथोराइज डीलर बदल दिया दूसरा कर दिया दूसरे के थ्रू भेज रहे सीडी लिमिटेड अब पूरे साल में भले ही एग्रीगेट दस लाख भेजे गए हों लेकिन कम से कम सेक्शन कब अप्लीकेबल होता जब अथोराइज डीलर दोनों ट्रांजेक्शन का सेम होता तो पहले जब आपने एबी लिमिटेड के थ्रू चार लाख ट्रांसफर किए फॉरेन रेमिटेंस किया तो सात लाख के अंदर ही है टीसीएस कलेक्शन नहीं होगा फिर दूसरा ट्रांजेक्शन छह लाख का ही किया ये लाख के अंदर ही है तो ट्रांजेक्शन पर टी सी एस चार्ज नहीं होगा क्योंकि आपने अलग अलग अथो डीलर के थ्रू ट्रांसफर किया है ठीक है तो पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सेकंड और थर्ड को कंपेयर करें पॉइंट नंबर सेकेंड में आपने दोनों ट्रांजेक्शन सेम ऑथोराइज डीलर से किए थे थर्ड पॉइंट में आपने अथोराइज डीलर चेंज कर दिया फर्स्ट ट्रांजेक्शन का अथोराइज डीलर अलग है सेकेंड ट्रांजेक्शन का अथोराइज डीलर अलग है फिर पॉइंट नंबर फोर ऑन सेकंड सेप्टेम्बर 2022 एक्स लिमिटेड ट्रांसफर्स रुपी सेवन लैक टू कनाडा थ्रू ई लिमिटेड जो कि अथोराइज डीलर है और फिर सेकंड ट्रांजेक्शन जब किया वो सेकेंड मार्च 2023 को किया एक्स लिमिटेड ने किया छह लाख फिर भेजे सेम अथोराइज डीलर ई लिमिटेड के थ्रू दोनों ट्रांजेक्शन में अथोराइज डीलर सेम है एग्रीगेट होगा दोनों ट्रांजेक्शन तो टोटल सात लाख और छह लाख कितना हुआ तेरह लाख तेरह लाख हुआ एक्सीडिंग सेवन लाख तेरह लाख माइनस सात लाख की छूट छह लाख छ लाख पे कितना टीसीएस पांच परसेंट इलिमिटेड पांच परसेंट टीसीएस चार्ज करेगा एक्स लिमिटेड से ठीक है कितने अमाउंट पर छह लाख पर क्योंकि पहले सात लाख तक तो छूटी हो गई फिर पॉइंट नंबर फाइव पॉइंट नंबर फाइव मिस्टर पी टेक्स एन एजुकेशनल लोन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक फॉर इॉटर्स डॉटर्स आईटी कोर्स इन हॉवर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए यूएसए में उनकी डॉटर एजुकेशन ले रही है उसके लिए इन्होंने इंडिया में पंजाब नेशनल बैंक से एजुकेशनल लोन लिया है ठीक है लोन कितना लिया उसका नहीं बताया है आगे लैंग्वेज है आउट ऑफ सेंशन लोन अभी उसमें से 50 लाख रेमिट कर रहे हैं मिस्टर पी रेमिट कर रहे पचास लाख फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हैं और ऑराइज डीलर है एबी लिमिटेड तो 50 लाख में से 7 लाख की छूट हो जाएगी बाकी का बचा 43 लाख 43 लाख पर टीसीएस कितना 0.5 परसेंट पांच परसेंट नहीं 0.5 परसेंट रीजन जो फॉरेन रेमिटेंस की जा रही है उसका सोर्स एजुकेशनल लोन है तो TCS की रेट पांच परसेंट के बजाय जीरो पॉइंट पांच परसेंट हो जाएगी फिर मिस्टर कोर्स फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इंग्लैंड टोटल उनके कॉस्ट ऑफ एजुकेशन पर खर्चा आना है वहां बोर्डिंग लॉजिंग वहां रहने ठहरने का सबका मिला के एक करोड़ चालीस लाख फॉरेन में एजुकेशन का ये खर्चा आना है एक करोड़ चालीस लाख मिस्टर क्यू ने क्या किया मिस्टर क्यू टेक से लोन सत्तर लाख का लोन उठाया है एच से और बैलेंस अमाउंट उनका कहना है मेरे पास सेविंग है इसका मतलब टोटल पढ़ाई पर खर्चा होगा एक करोड़ चालीस लाख उसमें से सितर लाख तो उन्होंने लोन अरेंज कर दिया बाकी का बैलेंस अमाउंट कितना बचा सितर लाख बाकी का सितर मतलब टोटल चाहिए एक करोड़ चालीस लाख सितर लाख का लोन हो गया बाकी का सितर लाख उनके पास सेविंग है ठीक है अब इतनी सारी पंचायती लिखी अब मुद्दे की बात है आपके पास इतना इतना पैसा है हमें कुछ नहीं करना है आप फॉरेन में कितना भेज रहे हो आप फॉरेन में कितना भेज रहे हो अभी ही रेमिट्स वन करोड़ ही भेज रहे हैं ऊपर पढ़ने से ये फील आ रहा था कि एक करोड़ चालीस लाख भेज रहे हैं लेकिन अंदर फिर पढ़ते पढ़ते बात चेंज कर दी कितना इतना इतना पैसा लगना है लेकिन अभी एक करोड़ भेज रहे हैं ठीक है ऑथोराइज एजेंट के थ्रू भेज रहे हैं दो मार्च को और जो एक करोड़ भेज रहे हैं उसमें से एच डी एफ सी एच डी एफ सी से लोन कितना उठाया हुआ है भाई? सितर लाख उस सित्तर लाख में से अभी साठ लाख ही भेज रहे हैं तो अभी जो भेज रहे हो उस पर ही टीसीएस होगा ना तो साठ लाख ये और चालीस लाख अपनी पास्ट सेविंग से तो टोटल अभी सिर्फ एक करोड़ ही भेज रहे हैं और एक करोड़ का बायफर्केशन ये है तो इस साठ लाख का सोर्स एजुकेशनल लोन है तो इस पर टीसीएस की रेट क्या हो जाएगी 0.5 परसेंट और 40 लाख पर 5 परसेंट लेकिन एक बात और वो जो सात लाख की छूट मिलती है वो क्या दोनों पे मिलेगी यस yes, दोनों पे मिलेगी तो दोनों में से माइनस सेवन माइनस सेवन जो भी आए उससे टीसीएस की रेट मल्टीप्लाई होगी फिर पॉइंट नंबर सेवन पॉइंट नंबर सेवन टी टी लिमिटेड ऑफर्स ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज टू रेजिडेंट्स ऑफ राजस्थान तो राजस्थान के रेजिडेंट्स को ये ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं वैल्यू ऑफ सच पैकेज डिपेंड्स अपॉन अपॉन वेदर बायर वांट्स ओनली अकोमोडेशन राजस्थानी है ना पैसे बड़े सोच समझ के खर्च करते हैं <coughs> सोच समझ के ही खर्च करना चाहिए तो कोई बोलता है नहीं मेरे को सिर्फ उधर अकोमोडेशन प्रोवाइड करना बाकी मैं खुद कर लूंगा उसका पैकेज अलग है कोई बोलता है अकोमोडेशन और ट्रेवल का खर्चा आप उठा लेना ठीक है तो अलग अलग पैकेज बने में पैकेज अलग अलग है तो उनका अमाउंट भी अलग अलग होगा ठीक है फिर ऑल पैकेजेस ऑफर्ड कैन बी ग्रुप्ड अंडर डिफरेंट कैटेगरीज कोई दो लाख का पैकेज है कोई साढ़े सात लाख का पैकेज है उसमें डिपेंड करता है कि वो कस्टमर सिर्फ अकोमोडेशन चाहता है या टिकटिंग और अकोमोडेशन चाहता है खाना पीना चाहता है साथ में कैसा पैकेज लेना है उसके हिसाब से हर पैकेज की वैल्यू अलग अलग है दो लाख से पैकेज स्टार्ट होता है और साढ़े सात लाख तक है पर पर्सन का है ये तो बताइए इस केस में वैल्यू देखी जाएगी क्या ओ के, के केस में कोई थ्रेश लिमिट है ही नहीं वो सात लाख की छूट सिर्फ फॉरेन रेमिटेंस के लिए थी ओ के लिए थी क्या नहीं थी वहां लिखा था एनी अमाउंट तो कस्टमर चाहे दो लाख का पैकेज है चाहे साढ़े सात लाख का है यहां पर तो मैं वो सात लाख की छूट देखनी नहीं है तो किसी भी वैल्यू का पैकेज हो उस पर टीसीएस अप्लीकेबल होगा और किस रेट वाला होगा पांच परसेंट वाला क्या इसके इसमें जीरो पॉइंट पांच परसेंट रेट का बेनिफिट मिलेगा या नहीं नहीं मिलेगा ठीक है तो जनरल कमेंट कर देंगे हम कि कोई भी पैकेज जो बायर ऑफ द पैकेज उससे जो भी मनी मिले और एट द टाइम ऑफ रिसेप्ट ही है क्या एट द टाइम ऑफ रिसेप्ट है तो फाइव परसेंट टी सी एस और कोई थ्रेसोड लिमिट है ही नहीं और अगर वो पेन नंबर नहीं देता है पेन नंबर नहीं देता है तो प्रेस्क्राइब रेट का ट्वाइस और फाइव परसेंट विच एवर इज हायर अब चूंकि प्रेस्क्राइब रेट फाइव परसेंट है उसका ट्वाइस डबल हो गया टेन परसेंट और फाइव परसेंट ज लेस हायर हायर ठीक है तो टेन परसेंट अब एक खास बात क्वेश्चन की लास्ट लाइन क्वेश्चन की लास्ट लाइन वुड योर आंसर चेंज इन ऑल द अबो केसेस कह रहे हैं इन सारे केसेस पे वन टू सेवन तक जितने भी केसेस हैं उसमें रेमिटर बोलता है या बायर बोलता है मैं आपका टीडीएस सेक्शन वन नाइनटी फोर सी में काटूंगा तो फिर उस केस में क्या होगा जब बायर या रेमिटर बोले मैं टीडीएस डिडक्ट करूंगा तो सेलर को पीछे हटना होगा सेलर को झुकना पड़ेगा वो टीसीएस चार्ज नहीं करेगा बायर टीडीएस डिडक्ट अगर कर रहा है तो सेलर टीसीएस -से चार्ज नहीं करेगा ठीक है चलिए चलिए अब आ जाइए पेज नंबर टू वन फाइव पेज नंबर टू वन फाइव पे आइए चैप्टर में भी सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन का सिस्टम है टीसीएस चैप्टर में भी सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन का सिस्टम है टी चैप्टर जब हमने पढ़ा वहां पर आपने सर्टिफिकेट की बात सेक्शन 197 में की डिक्लेरेशन की बात 197A ए में की यहां टीसीएस चैप्टर में सर्टिफिकेट की बात सेक्शन 206 जीरो सी के सबसेक्शन 9 में 206 जीरो सी के सबसेक्शन 9 में है तो जो कलेक्टी है पैटर्न वही है जो टीडीएस चैप्टर में था उधर क्या था पेई जाए अपने असेसिंग ऑफिसर के पास यहां पर पेई की जगह क्या हो जाएगा कलेक्टी कलेक्टी अपने एसेसिंग ऑफिसर के पास जाए कि मुझे टी ये जो लोअर का लोअर कलेक्शन का सर्टिफिकेट आप इशू करिए कलेक्टी अपने एसेसिंग ऑफिसर के पास जाए और बोले कि मेरे को सर्टिफिकेट इशू करिए लेकिन अब यहां पर टीडीएस और टीसीएस में फर्क है उधर टीडीएस चैप्टर में हमने पढ़ा था सर्टिफिकेट शॉर्ट डिडक्शन और नॉन डिडक्शन का हो सकता है लेकिन टीसीएस चैप्टर में बोल रहे हैं सर्टिफिकेट शॉर्ट कलेक्शन का ही होगा नॉन कलेक्शन का नहीं होगा तो ये डिफरेंस मैंने यहाँ नोट कर दिया ताकि टीडीएस और टीसीएस के सर्टिफिकेट में फर्क पता पड़े कि जो हमने टीडीएस में पढ़ा था वहां पर तो शॉर्ट डिडक्शन और नॉन डिडक्शन दोनों लिखा था लेकिन टीसीएस चैप्टर में इस पॉइंट पर थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है कि टीसीएस चैप्टर में जो सर्टिफिकेट इशू होगा होगा नॉन कलेक्शन का नहीं होगा तो इसके लिए कलेक्टी को अपने असेसिंग ऑफिसर के पास जाना होगा कि मुझे सर्टिफिकेट इश्यू किया जाए फिर एसेसिंग ऑफिसर ये सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा तो कलेक्टी ये अपने कलेक्टर को फर्निश कर देगा और कलेक्टर फिर लोअर रेट से कलेक्शन करेगा क्यों सर्टिफिकेट भी किस चीज का मिला है कलेक्शन एट लोअर रेट तो सर्टिफिकेट यहां पर सिर्फ लोअर कलेक्शन का ही होगा नॉन कलेक्शन का सर्टिफिकेट टीसीएस के केस में हो ही नहीं सकता तो ये सर्टिफिकेट की बात कंप्लीट अब डिक्लेरेशन की बात जो बायर है जो बायर है यहां पर बायर वर्ड लिखा ठीक है और बायर वर्ड कौन से ट्रांजेक्शन में होगा सेलर बायर लेसर लेसी के केस में डिक्लेरेशन नहीं दिया जा सकता ठीक है और ऊपर सर्टिफिकेट वाले मैटर में तो कलेक्टर कलेक्टिव वर्ड यूज हुआ तो वहां पर दोनों टाइप पे मतलब है ना सेल ऑफ गुड्स और लीजिंग ट्रांजेक्शन सब पे ही आप सर्टिफिकेट दे सकते हो लेकिन डिक्लेरेशन बायर ही दे सकता है सेलर को इसका मतलब लेसर less को नहीं दे सकता तो बायर ही दे सकता है और वो बायर रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए अपने ओन मोशन पर सेल्फ लेवल पर वो डिक्लेरेशन देगा दो कॉपीज़ में देगा इन फॉर्म नंबर ट्वेंटी सेवन सी कलेक्टर को कि नॉन कलेक्शन ऑफ टीसीएस मुझसे कलेक्ट ही नहीं करें तो यहां क्या हो गया सर्टिफिकेट लोअर कलेक्शन का डिक्लेरेशन नॉन कलेक्शन का यहां पर सर्टिफिकेट लोअर कलेक्शन का डिक्लेरेशन नॉन कलेक्शन का डिक्लेरेशन में बायर क्या लिखेगा डिक्लेरेशन में बायर लिखेगा कि मैं बायर हूं आपसे जो गुड्स परचेस कर रहा हूं वो मैं गुड्स का यूज कहां करूंगा वो मैं गुड्स यूज करूंगा फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैं आपसे जो गुड्स खरीद रहा हूं अच्छा मेरे को बात बताइए एक कोल कोल पर, कोल की सेल परचेज पर टीसीएस है या नहीं है लिखा था सर्टेन मिनरल्स कोल लिगनाइट और आयरन और इनकी सेल पर टीसीएस है तो अगर कोल परचेस किया जा रहा है मैं बायर हूं कोल परचेस कर रहा हूँ और मैं डिक्लेरेशन दे दूँ सेलर को कि मैं आपसे जो कोल परचेस कर रहा हूँ वो मैं अपने मैन्युफैक्चरिंग में यूज करूँगा प्रोसेसिंग और प्रोड्यूसिंग आर्टिकल और थिंग्स में यूज़ करूँगा मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में यूज करूंगा या पावर जनरेशन का मेरा बिजनेस है उसमें यूज करूंगा मैं पावर जनरेटिंग यूनिट हूं और आपसे कोयला परचेस कर रहा हूं और ये मैं अपने जनरेशन ऑफ पावर में यूज करूंगा कुल मिलाकर मैं आपसे जो कोयला खरीद रहा हूं रीट्रेडिंग के परपज से ट्रेडिंग पर्पज से खरीदना मेरा मकसद नहीं है तो मैं आपसे जो कोयला खरीदूंगा या तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करूंगा या पावर जनरेशन में यूज करूंगा नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पज तो वैसे तो कोल वगैरह की सेल पर टीसीएस -से है लेकिन बायर अगर सेलर को लिख के दे दे डिक्लेरेशन कि मैं आपसे जो कोयला खरीद रहा हूं वो मैं यूज करूंगा मैं खुद यूज करूंगा मैं उसकी ट्रेडिंग नहीं करूंगा और यूज भी कहां करूंगा अपनी मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेसिंग में या फिर पावर जनरेशन में तो फिर सेलर टीसीएस -से चार्ज नहीं करेगा तो उसके हिसाब से अगर ऐसा डिक्लेरेशन कलेक्टर को मिल जाएगा तो कलेक्टर सेल नॉट कलेक्ट कलेक्टिस ठीक है अब खास बात यह बात सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 206 जीरो सी सब सेक्शन वन के लिए है मतलब मोटर व्हीकल सबसेक्शन वन एफ है वन जी टूर प्रोग्राम और रेमिटेंस टू एल आर एस वहां पर ऐसे डिक्लेरेशन दिए ही नहीं जा सकते ठीक है तो मोटर व्हीकल पर ऐसा डिक्लेरेशन नहीं दिया जा सकता सिर्फ कौन से गुड्स मोटर व्हीकल के अलावा जो तेंदुलेवस फॉरेस्ट प्रोड्यूस अंडर टिम्ब फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूडिंग टिम्बर स्क्रैप एल्कोलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन ठीक है और सर्टेनमेंट रस कोल आयरन और लिगनाइट ठीक है उनके सेस में ही डिक्लेरेशन दिया जा सकता है अब बायर ने दे दिया सेलर को डिक्लेरेशन जिसकी वजह से सेलर ने टीसीएस चार्ज ही नहीं किया कलेक्ट ही नहीं किया सेलर को यह डिक्लेरेशन रसीव होने पर सेलर इस डिक्लेरेशन का क्या करे सेलर ये जब डिक्लेरेशन उसकी कॉपी मिले वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कराए किसको सीसीआईटी और सीआईटी को जाकर दे किस बायर से मुझे मिला है डिक्लेरेशन इस वजह से मैंने इस बायर का टीसीएस कलेक्शन नहीं किया है तो जब भी डिक्लेरेशन रिसीव हो उस मंथ एंड से सात दिन के अंदर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाकर सीसीआईटी और सीआईटी को डिक्लेरेशन की कॉपी डिपॉजिट करा के आए ठीक है सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन का सिस्टम आपने समझ लिया अब रेट चार्ट में दोबारा आई है मैंने बोला लीजिंग और लाइसेंसिंग ट्रांजैक्शन पर भी टीसीएस है और उस केस में टीसीएस की रेट क्या है दो परसेंट दो परसेंट है और बताइए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है क्या नहीं इस लीजिंग ट्रांजेक्शन पर कोई थ्रेश लिमिट नहीं है तो दो परसेंट लीज रेंट पर लेसर लेसी से लीज रेंट चार्ज करते वक्त उसमें टीसीएस जोड़ के चार्ज करेगा दो परसेंट की रेट से दो परसेंट है रेट अब सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन की बात अभी हम कंप्लीट करके आए सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन दिया जा सकता है सेल ऑफ गुड्स वगैरह के लिए लेकिन डिक्लेरेशन में ध्यान रखिए सेक्शन 206 सी जब तक सब सेक्शन वन लग रहा है तब तक ही आप डिक्लेरेशन दे सकते हो क्या आप सब सेक्शन वन एफ में डिक्लेरेशन दे सकते हो सेक्शन वन जी में सबसेक्शन वन एच में दे सकते हो क्या नहीं दे सकते इन केसेस में नहीं दे सकते सब सेक्शन वन में ही दे सकते और लीजिंग ट्रांजेक्शन में आप सिर्फ सर्टिफिकेट दे सकते हो डिक्लेरेशन दे ही नहीं सकते वो पहले ही बता दिया था मैंने बायर दे रखा था डिक्लेरेशन का जो हमने प्रोसीजर पढ़ा वहां बायर ही दे रखा था लेसर लेसी वाली बात ही नहीं दे रखी थी और वहां पर तो गुड्स परचेज करे उसको यूटिलाइज करे मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेसिंग में रिट्रेडिंग ना करे तो वो बात तो लीजिंग ट्रांजेक्शन पे आ ही नहीं सकती तो डिक्लेरेशन अब मैं ऐसे बोलूं डिक्लेरेशन कैन नॉट बी गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ लीजिंग ट्रांजेक्शन फिर लीजिंग ट्रांजेक्शन के बाद अब आइए एक हम एग्जाम्पल करते हैं पेज नंबर है आपके टू टू वन पेज नंबर दो सौ इक्कीस पेज नंबर दो सौ इक्कीस पर एक एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल गवर्नमेंट ग्रांट्स लीज ऑफ कोल माइन गवर्नमेंट ने कोल माइन लीज पर दी मिस्टर लालू यादव को ठीक है तो कोल माइन दी लालू यादव को और उनसे चार्ज कर की, कर रहे हैं पैसा चार्ज वन करोड़ फॉर लीज ऑफ कोल माइन ठीक है लीज ऑफ कोल माइन बताइए लीजिंग ट्रांजेक्शन है या सेल ऑफ गुड्स का ट्रांजेक्शन है लीजिंग ट्रांजेक्शन है फिर यहां तक एक कंप्लीट गवर्नमेंट ने लालू यादव के साथ ट्रांजेक्शन किया लीजिंग ट्रांजेक्शन है अब दूसरा ये ट्रांजेक्शन नंबर वन अब दूसरा ट्रांजेक्शन शुरू हो रहा है लालू यादव ने कोयला उससे निकाला कोल माई ने कोयला निकाला फिर कोयला बेचा टू साधु यादव <coughs> ये दूसरा ट्रांजेक्शन है अब कोयला बेचा तो सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स हुआ क्या ये दूसरा ट्रांजेक्शन <coughs> फिर साधु यादव ने फिर आगे और कोयला बेचा पंद्रह लाख में टाटा स्टील को लालू यादव ने साधु यादव को बेचा दस लाख में और साधु यादव ने आगे टाटा स्टील को बेचा टाटा स्टील को बेचा पंद्रह लाख में तो अब ट्रांजैक्शन कैसे कैसे हो रहे हैं नोट करते हैं हम गवर्नमेंट ने लीजिंग ट्रांजैक्शन किया लालू यादव के साथ लालू यादव ने आगे ट्रांजैक्शन किया साधु यादव के साथ ठीक है और साधु यादव ने आगे ट्रांजैक्शन किया टाटा स्टील से ठीक है तो ट्रांजैक्शन की चेन लंबी चलती जा रही है तीन ट्रांजेक्शन हुए पहला ट्रांजेक्शन ये दूसरा इनके बीच तीसरा इनके बीच तीन ट्रांजेक्शन है गवर्नमेंट ने लालू यादव से कितना और क्या ये लीजिंग ट्रांजेक्शन है ये तो लीजिंग ट्रांजेक्शन है और दूसरे दो ट्रांजेक्शन सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स के हैं दूसरे दो ट्रांजेक्शन सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स के हैं तो गवर्नमेंट ने जो लीज दी चार्ज किया एक करोड़ ठीक है इस ट्रांजेक्शन की वैल्यू है वन करोड़ इस पे टीसीएस गवर्नमेंट चार्ज करेगी लालू यादव से किस रेट से लीजिंग ट्रांजैक्शन पर टीसीएस की रेट है दो परसेंट दो परसेंट की रेट से फिर लालू यादव ने साधु यादव को उसमें से कुछ कोयला निकालकर दस लाख में बेचा इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू है दस लाख क्या ये सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स है कोल इस पर टीसीएस कितना है वन परसेंट वन परसेंट है तो दस लाख पर लालू यादव साधु यादव से वन परसेंट टीसीएस और लेंगे कि दस लाख तो दे ही उस पर वन परसेंट और दे ठीक है फिर साधु यादव ने जब थर्ड ट्रांजेक्शन किया टाटा स्टील के साथ किया अब आता है स्टोरी में ट्विस्ट टाटा स्टील अगर डिक्लेरेशन दे कि साधु यादव आपसे हमने जो कोल परचेस किया है हम इस ट्रांजैक्शन में बायर हैं हमने आपसे जो कोल परचेस किया है वो हम स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में कंज्यूम करेंगे तो फिर साधु यादव टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा इसके लिए टाटा स्टील साधु यादव को डिक्लेरेशन दे दे। ठीक है? तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे चेंज चलती जाती है कहां पर कौन सा टीसीएस आ जाता है कभी दो परसेंट वाला वन परसेंट वाला कभी टीसीएस है नहीं ठीक है तो ये सारी कमेंट्री मैंने यहां लिख रखी है ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल अब छोटी छोटी बातें समझते हैं सरचार्ज और सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इसमें इंक्लूड होगा कि नहीं तो बातें अब टी चैप्टर में भी आपने जैसा देखा था वैसे तो टीडीएस की रेट बेसिक रेट थी बट कुछ केसेस में हमने देखा था कि उस बेसिक रेट में सरचार्ज और सेस भी लगता है वैसे ही यहां पर भी है बिल्कुल सेम पैटर्न है टीडीएस में जैसे सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की बात की थी सेम वैसे कोई अलग नहीं है बट उधर पेमेंट और क्रेडिट लिखा था इधर अमाउंट रिसीव्ड और डेबिटेड लिख देंगे बाकी सारी बातें सेम है। तो अगर कलेक्टी अगर कलेक्टिव कंपनी फॉरेन कंपनी है कलेक्टिव अगर फॉरेन कंपनी है उससे जो अमाउंट रिसीव हो रहा है उसको डेबिट कर रहे हैं वो एक्सीटिंग वन करोड़ है लेकिन दस करोड़ को एक्सिट नहीं कर रहा है तो सरचार्ज दो परसेंट और अगर दस करोड़ को भी एक्सिट कर रहा है तो पांच परसेंट क्यों फॉरेन कंपनी पर सरचार्ज की अप्लीकेबिलिटी ऐसे ही है दो परसेंट पांच परसेंट और अगर कलेक्टिव एनआरएनसी और कैसा है वो कॉपरेटिव सोसाइटी है पार्टनरशिप में एल है LLPA या लोकल अथॉरिटी है तो अगर अमाउंट रिसीव्ड और डेबिटेड एक करोड़ को एक्सीड करे तो बारह परसेंट सरचार्ज लेकिन ध्यान रहिए नॉन रेजिडेंट पर ही लग रहा है फॉरेन कंपनी पर ही हो रहा है फिर अगर कलेक्टी एनआरएनसी लेकिन कैसा है वो इंडिविजुअल एचपीवाई एजेपी है तो इंडिविजुअल वगैरह पर आपको सरचार्ज की रेट पता ही है पचास लाख तक सरचार्ज है नहीं पचास लाख से लेकिन एक करोड़ तक टोटल अमाउंट रिसीव और डेबिटेड है तो सरचार्ज दस परसेंट एक करोड़ को एक्सिट करे दो करोड़ को एक्सिट ना करे तो पंद्रह परसेंट ध्यान है सरचार्ज वाला स्लैब इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं फिर सबसे खास बात अगर कलेक्टिव रेजिडेंट है तो सरचार्ज होता ही नहीं है अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी टी, टी रेट में जुड़ेगा या नहीं तो तभी जुड़ेगा जब कलेक्टी नॉन रेजिडेंट नॉन कॉरपोरेट हो मतलब तो एंड एजुकेशन सेस लगेगा किस पर बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज दो, दोनों जोड़ के जो आया था लेकिन अगर कलेक्टी रेजिडेंट है तो सेस भी नहीं लगता है तो जैसे मैंने टीडीएस चैप्टर में बोला था इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको एग्जाम में आता है कि आपका टीडीएस चैप्टर में अधिकतर कैसे आता पे रेजिडेंट है तो सर चार्ज और सेस होता ही नहीं है लेकिन उधर सैलरी के मामले पर तो था और यहां पर टीसीएस चैप्टर में अगर आपका कलेक्टी रेजिडेंट है तो सरचार्ज और सेस लगता ही नहीं है और एग्जाम में आपको मोस्टली ज्यादातर क्या दिया जाता है कलेक्टी रेजिडेंट ही देते हैं तो फिर सरचार्ज और सेस लगाते ही नहीं हो आप ठीक है चलिए आज की क्लास में इतना ही